क्वेश्चन नंबर एट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एट है आपका x अपॉन x माइनस वन होल स्क्वायर x प्लस टू, दिस विल बी a अपॉन x माइनस वन होल x माइनस वन प्लस b अपॉन x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस टू। ये सारे रूल से हो रहे हैं, ठीक है। रूल को एक बार ध्यान से समझेंगे देखेंगे तो आ जाएगा समझ। x माइनस वन होल स्क्वायर और दूसरा मतलब x माइनस a होल स्क्वायर इंटू x प्लस b फॉर्म का अगर होगा तो a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस b, इस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पर a b c की वैल्यू चाहिए अब हमें, तो x इक्वल्स टू ये हो गया आपका a x माइनस वन इंटू x प्लस टू प्लस बी एक्स माइनस होल स्क्वायर तो आ गया बच्चा एक्स प्लस टू, बहुत बढ़िया, एक प्लस सी एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। देखो सबसे आसान तरीका यही है, पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, पहले माइनस टू अगर रखा आपने, नहीं माइनस टू मत रखो, पहले रख दो x इक्वल्स टू, कुछ तो गलत हुआ है तो नहीं, ठीक है सही a x माइनस वन ले लिया ना हमने, x माइनस वन x माइनस टू ठीक है, और इधर x माइनस टू ठीक है, a x माइनस टू ले लिया हमने तो दिस विल बी माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री स्क्वायर नाइन c, तो c की वैल्यू आपका माइनस टू अपॉन नाइन आ गई। x इक्वल्स टू वन रखो तो वन इक्वल्स टू ये दोनों टर्म जीरो, थ्री बी वन इक्वल्स टू थ्री बी, बी की वैल्यू आ गया वन बाय टू। जब b और c की वैल्यू आ गया आपको a की वैल्यू के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह जीरो रख दो ना, सबसे आसान पुट x इक्वल्स टू जीरो, जीरो इक्वल्स टू, जीरो इक्वल्स टू, जीरो इक्वल्स टू जीरो रखोगे माइनस वन और इंटू टू माइनस टू ए, माइनस टू ए और जीरो रखोगे प्लस टू बी, जीरो रखोगे प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो ए बी सी की बी सी की वैल्यू रख दो आप तो टू ए इक्वल्स टू टू बी प्लस सी, तो ये हो गया आपका टू इंटू वन बाय थ्री माइनस टू बाय नाइन। तो यहाँ से इसका आप आकलन कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, टू ए इक्वल्स टू सिक्स बाय नाइन माइनस टू बाय नाइन टू फोर बाय नाइन, टू टू जा फोर, ए की वैल्यू आ गया टू बाय नाइन। ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, आगे का काम खुद से करेंगे, आंसर फ्रैक्शन है ए बी सी की वैल्यू रख दोगे इसके बाद इंटीग्रेट कर दोगे आंसर आ जाएगा, तो आगे का काम डी वाई एस डू योर सेल्फ, ठीक है ये होगा। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन करने वाले, ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन है आपका टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, गलत लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस वन गलत लिखा, आधा काम किसी और क्वेश्चन से आधा किसी और क्वेश्चन से ले लिया मैंने तो गलत लिखा, ठीक है x plus 3 है वो x minus 1 तो बस वो नीचे का ही ब्रैकेट गलत था। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हमने चेक किया तो कलर जो है चेंज होगा, ये अब 2 x
माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री। देखो भाई एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है नीचे में, तो इसका ऐसे होता है a अपॉन लीनियर ले लो 2x प्लस थ्री प्लस क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर में bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर माइनस वन इस तरह से। और फिर हम जब एलसीएम लेंगे तो डेनोमिनेटर का कोई काम नहीं, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू टू एक्स प्लस थ्री। यहाँ पर मैं कहूंगा कि भाई यहाँ x की वैल्यू पुट करके करने की कोशिश नहीं करिए तो बढ़िया है। तो यहाँ पर आप क्या करो फिर ए एक्स स्क्वायर माइनस ए ठीक है प्लस टू बी एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस थ्री बी एक्स और प्लस थ्री सी। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, यहाँ पर ये यहाँ से आपका हो गया a प्लस टू बी एक्स स्क्वायर और प्लस टू सी प्लस थ्री बी एक्स और प्लस थ्री सी माइनस ए। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपका था टू एक्स माइनस थ्री, तो इक्वेट करो तो यहाँ से a प्लस टू बी की वैल्यू जीरो है क्योंकि क्वाड्रेटिक है नहीं, स्क्वायर वाले टर्म है नहीं इसमें। और इधर आपका टू सी प्लस थ्री बी इक्वल्स टू टू सी प्लस थ्री बी आपका टू आएगा और कांस्टेंट टर्म बी थ्री सी माइनस ए थ्री सी माइनस ए ये आपका माइनस थ्री। यहाँ से a इक्वल्स टू माइनस टू बी ठीक है रखो इसमें, तो ये हो जाएगा आपका थ्री सी माइनस ए क्या है माइनस थ्री, a इक्वल्स टू माइनस टू बी रख दो तो थ्री सी माइनस माइनस प्लस टू ए प्लस टू बी सॉरी प्लस टू बी इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो ऊपर में दो इक्वेशन बन गया आपका, एक तो 2c प्लस 3b तो टू दूसरा 3c प्लस 2b माइनस 3। इन दोनों को सॉल्व करना डिफिकल्ट काम नहीं है, कर लेते हैं सॉल्व। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, फिर तो सब बेकार हो जाएगा मुझे लगता है ऐसा नहीं। टू टू जा फोर सी प्लस सिक्स बी इक्वल्स टू फोर ठीक है। इसके बाद इधर से आपका नाइन सी प्लस सिक्स बी इक्वल्स टू नेगेटिव नाइन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से क्या बनता है माइनस फाइव सी इक्वल्स टू थर्टीन सी इक्वल्स टू माइनस थर्टीन अपॉन फाइव ठीक है c इक्वल टू माइनस थर्टीन अपॉन फाइव ये हो गया आपका। अब यहाँ से c आ गया तो b भी निकाल लो, यहाँ से आपका थ्री सी थ्री इंटू माइनस थर्टीन अपॉन फाइव माइनस थर्टीन अपॉन फाइव प्लस टू बी इक्वल्स टू माइनस थ्री। बी की वैल्यू निकाल लो, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गया आपका, फिर रखो उसी तरीके से करना है, लेंथी है गंदे गंदे कांस्टेंट आया है तो ये घर घर पर करना है खुद से करना है ना भाई, क्यों परेशान करने में लगे हुए। यस सर, तो ये क्या आपका 2b इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस 39 बाय 5, तो 2b इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 39 हो गया आपका 24 बाय 5
तो b की वैल्यू 12/5 है, तो यहां से आपका a की वैल्यू -424/5। ये सारी वैल्यूज आपने कांस्टेंट रखना है और फिर इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहां से आगे का काम भी खुद से ही करना है। क्वेश्चन 12 जो है उसको कहते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ऐसा कहते हैं। क्वेश्चन 12 क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो नीचे डेनोमेटर में पावर अगर कम हो और न्यूमरेटर में डेनोमेटर से अधिक पावर हो, ठीक है, तो फिर जो है वो डेनोमेटर को दबा के रखे, क्योंकि डेनोमेटर तो नीचे है, तो न्यूमरेटर अगर ऊपर में है बड़ा पावर बड़ा है और नीचे डिग्री कम है ऊपर डिग्री है, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं। उसका रूल एक ही है कि सबसे आसान रूल, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस एक्स ले लिया हमने, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स कैंसिल करो, टू एक्स प्लस वन, और तो कुछ आगे होगा नहीं इसलिए आगे कुछ करना भी नहीं है। तो ऊपर जो न्यूमरेटर था ना उसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स प्लस वन, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और डेनोमेटर में तो एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन है, कुछ सोचना ही नहीं कहना ही नहीं, अलग अलग कर लेंगे हम, तो ये हो गया एक्स डी एक्स प्लस टू एक्स। मैं कहूंगा कि फिर से अलग अलग कर लो, यहाँ पे आसान काम करना है हमने, क्यों डिफिकल्टी लेनी, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, सारे स्टैंडर्ड रूल पर आ गया, बस इंटीग्रेशन निकाल करके रख दोगे या मैं कर दूं, आसान है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी लोगे टू एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, डी टी बाई टी लॉग हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, प्लस ये वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए क्या होता है, वन बाय टू लॉग क्या एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये वन माइनस एक्स, यहाँ पे मैं हमेशा कंफ्यूज कर जाता हूँ, देख लेना ये वाली प्लस सी, तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक। देखो भाई अब एग्जाम्पल 15 कही थी बेटा आपने, एग्जाम्पल 15 बता देता हूँ क्या है इसमें, फिर आज का काम यहीं पर खत्म करेंगे, जो रह गया थोड़ा बहुत वो जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन नंबर 18 इम्पोर्टेंट है, आराम से कराऊंगा। एग्जाम्पल 15 क्या है, 3 sin 5 माइनस 2 cos 5 अपॉन 5 cos²5 माइनस 4 sin 5 और d5, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से पुट साइन फाइव इक्वल्स टू टी, तो कॉस फाइव डी फाइव इक्वल्स टू डी टी, तो ये ऊपर में आई हो गया आपका कितना टी माइनस टू डी टी अपॉन फाइव माइनस वन माइनस टी स्क्वायर माइनस फोर टी, यही हो गया। आगे का काम आसान ही है वैसे तो, t माइनस टू डी टी अपॉन फाइव माइनस वन प्लस टी स्क्वायर माइनस, क्या था इधर क्या लिखा, खुद की राइटिंग कभी कभी समझ नहीं आती, 40 है, अच्छा ये 40 है माइनस 40
डीटी, वो आगे का काम टी माइनस टू डी टी, ये हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस फोर टी माइनस टी टू होल स्क्वायर हो गया। बहुत बढ़िया, तो बहुत आसान था, टी माइनस टू होल स्क्वायर हो गया ये डी टी, स्क्वायर तो ऐसे ही कट गया, तो वन बाय टी माइनस टू जो होता है डी लॉग log t minus 2 plus c, रख दो वैल्यू आंसर आएगा भाई, तो क्या रखोगे वैल्यू, therefore log t की वैल्यू t लिया था हमने sin phi, log sin phi ये वैल्यू होगा, ठीक है, log sin phi minus 2 plus c, ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, इनका आंसर क्या आ रहा है मैंने देखा नहीं।